चुनाव आते ही तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो जाती है और कुछ लोग जिन्ना का नाम जपना शुरू कर देते हैं। मैं तो यही कहूंगा, यूपी की जनता जवाब देगी कि जिन लोगों ने आज तुष्टिकरण की राजनीति करनी शुरू की है, जिन्ना का नाम जपना शुरू किया है और उनकी सरकारों के समय जिस तरह से एक डर भय का वातावरण होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम योगी सरकार ने किया है। एक दमदार सरकार जिसने कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम किया, एक तरफ वो है तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चुनाव आते ही तुष्टिकरण की राजनीति करनी शुरू कर देते हैं। सपा बसपा पिछले 4.5 साल या बंद कमरों में थे या विदेश में घूम रहे थे इनके नेता। जब आपदा के समय भी योगी जी अलग अलग जिलों में जाकर, उनकी सरकार के नेता अधिकारी अलग अलग जिलों में जाकर कोविड-19 के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता की जान बचाई है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर काम किया है, IIT कानपुर की अगर आप रिपोर्ट में पढ़ेंगे तो उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है कि किस तरह से यूपी एक बहुत सफल मॉडल रहा कोविड-19 की सिचुएशन में काम करते हुए। इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराध के खिलाफ जिस तरह से कठोरता से काम, कड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने की है, जनता आज उनको याद करती है ईमानदारी के लिए, काम के लिए और दमदारी के लिए। जब दुनिया भर में तेलों के दाम भी बढ़े, उस समय मोदी जी की सरकार ने एक और एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को राहत दी, वहीं भाजपा शासित राज्यों ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने भी और प्रदेश में भाजपा की सरकारों ने भी वैट कम किया, केंद्र में एक्साइज कम की और जनता को बड़ी राहत दी है। 17-17 रुपए लीटर तेल के दाम कम होना ये अपने आप में कदम उठाएगा जनता को राहत देने के लिए। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में अगर आप पंजाब और राजस्थान की तुलना भी करेंगे तो दोनों में ही कम से कम 22-25 रुपए लीटर का अंतर है। तो कांग्रेस को तो पहले अपने राज्यों को सिखाना चाहिए और जिन राज्यों ने अभी तक वैट कम नहीं किए हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी वैट कम करें ताकि जनता को राहत मिले। ABP सोचा, जोश, जज्बा, जुनून।